आज 26 जनवरी को भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वहीं हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड सितारे देशभक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए। इंडस्ट्री के तमाम सेलेब्स ने अपने फैंस को रिपब्लिक डे की ढेरों बधाइयां दी हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुपम खेर से। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर गणतंत्र दिवस की बधाई दी, जहां देश के जवानों को परेड करते हुए देखा जा सकता है। वहीं इस पोस्ट को शेयर करते हुए अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा है कि सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो बॉम्बे स्पेंसर्स की रिहर्सल का व्हाट्सएप फॉरवर्ड से आया है। इस यूनिट का नेतृत्व महिला अफसर रुचि यादव कर रही हैं। इस वीडियो के बैकग्राउंड में एक आम भारतीय नागरिक की आवाज़ रिकॉर्ड हुई है। उस आवाज़ में कितना गर्व है, ये है आज के भारत की गौरवता। जय हिंद, भारत माता की जय। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अक्षय कुमार की। हमेशा की तरह इस बार भी सच्चे देशभक्त अक्षय कुमार ने सभी देशवासियों को रिपब्लिक डे विश किया। इस खास मौके पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जहां उनके साथ टाइगर श्रॉफ भी देशभक्ति के रंग में नजर आ रहे हैं। वीडियो में इन दोनों सितारे हाथ में तिरंगा लिए समुद्र किनारे दौड़ते हुए देखे जा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए खिलाड़ी कुमार ने कैप्शन में लिखा, न्यू इंडिया, न्यू कॉन्फिडेंस, न्यू विजन, हमारा टाइम आ गया है, हैप्पी रिपब्लिक डे। फैंस को अक्षय का यह अंदाज खूब पसंद आ रहा है। भैया, जब बात देशभक्ति की हो तो कंगना रनौत कैसे पीछे रह सकती है। कंगना रनौत ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर कर सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। वहीं अमिताभ बच्चन ने भी वीडियो शेयर कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं सबके चहेते सोनू सूद भी इस खास अवसर पर खास अवतार में नजर आए। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जहां वो देश के जवानों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जूनियर एनटीआर ने भी सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं।